म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, वोकल कोच, सिंगर सॉन्ग राइटर रणित सिंह, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंग अलोंग विद रणित में। सिंग अलोंग, ई एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, 6000 रॉक स्टार्स की फैमिली हो चुकी है, एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूं और आपको मोरल सपोर्ट एज वेल एज यू नो स्ट्रैटेजी और जो ये टेक्निक वाइज जो सपोर्ट है वो देता रहूं और आपकी वॉइस और आपकी सिंग दोनों इम्प्रूव हो पाए। ऑलराइट, तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपके कुछ डाउट्स जो होते हैं, जो आप जिसके बारे में आप कमेंट करते हो कि ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या करूं, क्या ना करूं, तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ पिक कर लेता हूं। ऑलराइट, तो अभी लेटली 6-7 लोगों ने ये चीज़ मुझसे पूछी कि मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जो पूछा लोगों ने कि मुझे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी आवाज़ को सुनता हूं या सुनती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है और पता नहीं मुझे मैं सिंगर बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी या मैं कभी अच्छा गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगा, ऐसा जो डाउट होता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है या प्रोफेशनल साउंड नहीं करती, या उनको लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, अगर मेरी आवाज़ अच्छी होती तो मैं कुछ कर लेता, पर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता, तो आज आपको ऐसा जो भी लगता है और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 रीजंस, ऐसे 5 रीजंस जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। ऑलराइट, आप हमेशा ये सोचते हो कि यार मेरी आवाज़ ही ख़राब है, तो आइए जानते हैं वो 5 रीजंस कौन से हैं। रीजंस और भी हैं, जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ रीजंस और भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो 5 रीजंस बता रहा हूँ, 5 मेजर रीजंस जो इस यू नो वजह, इस चीज़ की वजह बनते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप कंपेयर करते हो। ओके, सबसे पहली दिक्कत है कि आप अपनी वॉइस को किसी और से कंपेयर करते हो। आप सोचते हो फलाने की आवाज़ मुझसे अच्छी है, उसकी रेंज कितनी अच्छी है, उसका टोन कितना अच्छा है, उसका विब्राटो कितना अच्छा है ना। सेम चीज़ जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे से कंपेयर करते हो, सिमिलरली आप अपनी वॉइस को भी कंपेयर करते हो। वो एक कहावत है ना हिंदी में कि दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है, तो ये सबके साथ है, यानी कि दूसरे की लाइफ लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, और अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दिखती है, अपनी चीज़ों में कमियां दिखती है, और इसी चीज़ का शिकार ये हमारी वॉइस बन जाती है कि हम अपनी वॉइस पे उतना यू नो उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की आवाज़ मुझसे अच्छी है, उसकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी है, इसकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, अपने आप को डिग्रेड कर देना, डिमोट कर देना ये सोच के कि मैं बहुत गंदा हूँ, अपने आप को खुद ही यू नो गलत तरीके से ट्रीट कर देना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपको लगने लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। क्या पता आपकी आवाज़ अच्छी हो, लेकिन आप सोच सोच के ऐसा कर रहे हो, तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल हो जाता है कि आप बार बार रिपीट करते हो यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगने भी लगता है कि आवाज़ अच्छी नहीं है। और एक बात और, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप गाओगे, तो जब आप ऐसा सोच के गाओगे तो सामने वाले को भी आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगने वाली है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट ever think like that, okay? You are going to be a rock star, so don't worry at all, okay? अपनी आवाज़ का रिस्पेक्ट करो, उससे कुछ करो, alright? तो ये था पहला रीज़न जो आपको अवॉइड करना है, आपको कंपेयर नहीं करना, रिस्पेक्ट योर वॉइस एंड एम्ब्रेस योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर वॉइस, कि मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरे पास है, okay? बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ जो इस तरफ आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। वो दूसरा रीज़न है आपकी वोकल टोन का डिफरेंस का फील होना, यानी कि वोकल डिफरेंस आ जाना, वोकल टोन का डिफरेंस आ जाना। आप कई बार सोचते हो कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो और आप फिर अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हो और आप सोचते हो यार ये तो बहुत बेकार आवाज़ है। वो बेकार नहीं है यार, इट्स जस्ट लाइक जब आप किसी को ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हो तो वो आपको, आप उसे जज नहीं कर पाते हो। ओके, आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आपको लगता है कि यार ये पता नहीं कैसा रूड बंदा होगा, एटीट्यूड वाला होगा, ईगोइस्टिक होगा, एक्स वाई जेड, लेकिन आप जैसे जैसे उससे बात करने लगते हो, उसे जानने लगते हो, तो आपको उसकी असली पर्सनैलिटी का पता चलता है। सेम गोज टू दिस,
जब आप गाना शुरू करते हो आपको लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी वॉइस को एनालाइज करो, बार बार सुनो, और रेदर देन यू नो उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय उसको समझो कि मेरे वीक पॉइंट क्या हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पहली बार में ना अपनी आवाज़ बहुत अलग लगती है सुनने में। ये प्रॉब्लम सबके साथ है। जो लोग इस डायरेक्शन में निकलते हैं उनको लगता है यार ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि मुझे अपनी आवाज़ अलग सुनाई दे रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करो, आप देख सकते हो, मैं आपको आई बटन में वो लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ग्लास का एग्जाम्पल दिया था कि जब आप अपने कान को बंद करके सुनोगे तो आपको एक अलग आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, ये आवाज़ जो है ये अभी आपके कान आपके मुंह के अंदर से आ रही है, मतलब अंदर से इंटरनली ट्रैवल करके कानों पे आ रही है, जिसकी वजह से उसका साउंड अलग है। और जब मैं ऐसे गा रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो उसकी आवाज़ अलग है। ठीक है, तो ये होता है जब आप बोलते हो आपको दो आवाज़ आती हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, तो उसका टोन अलग होता है। जब आप थर्ड पर्सन की तरह सुनते हो अपनी आवाज़ तो वो काफ़ी अलग लगती है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपनी टेलीफोनिक कन्वर्जेशन का भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार मेरी आवाज़ कितनी अलग है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसी नहीं है। कभी कभी मुझे भी अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, कभी कभी मुझे अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इट्स जस्ट अबाउट आवर साइकी, हम कैसा सोचते हैं। अगर आप सोचो कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो धीरे धीरे आपको अपनी आवाज़ से प्यार होने लगेगा। ऑलराइट, तो ये एक और रीज़न है जो आपको सही सोच के समझ के ठीक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अक्सर ऐसा होता है सबको अपनी आवाज़ अलग सुनाई देती है जब रिकॉर्ड करके सुनते हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। ऑलराइट, थर्ड चीज़ जो आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगी और आपको मजबूर करेगी कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है ऐसा सोचूं, ठीक है, तो वो रीज़न है, थर्ड रीज़न जो है वो है नेगेटिव क्रिटिक, या नेगेटिवली आपको अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ कर लिया है बहुत बुरी तरह, तो आप क्या होगा, एक तो आपको ये बात समझनी है कि हर कोई बंदा म्यूज़िकल नहीं है। ऑलराइट, सबके अपने ओपिनियन है। आज की डेट में ऐसे बहुत लोग हैं जो माइकल जैक्सन को भी कह देते हैं कि कैसा गाता था, ये सब करता रहता था, शी वाज स्मॉल लाइक अ ब्यूटी क्वीन फ्रॉम अ मूवी सीन, ये तो उनको लगता है कि ये क्या करता है। तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो बहुत हैं यार, तो ऐसा सोच के तो माइकल जैक्सन को कब से छोड़ देना चाहिए था। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सोनू निगम को भी कहते हैं कि बहुत आवाज़ हिलती रहती है, लेकिन उनके कहने से नहीं होता, जो सही है वो सही रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने नहीं बोला, मेरे को भी बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ बोला होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे जलते रहते हैं, लेकिन वो आपकी टेंशन नहीं है, वो उनकी टेंशन है, समझो इस बात को। तो आप कोई भी नेगेटिव, कोई आपको अगर क्रिटिसाइज करे तो वो मत लो। आप उसमें से सिर्फ वो चीज़ लो कि उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या बात बोली गई है। अगर आपको कोई बोले कि अरे यार कितना गंदा गाता है मत गा, तो ज़रूरी नहीं है उसको इतनी नॉलेज हो, हो सकता है वो आपको जानबूझ के बोलता हो सकता है आपका दोस्त हो, टांग खींच रहा हो सकता है आपसे चिढ़ने वाला कोई इंसान हो। तो अपना जो क्रिटिक है वो खुद बनो, सुनो और जज करो कि मैं अभी कितना अच्छा गाता हूँ। तो आप जब ऐसा करने लगोगे तो आप किसी की बातों में नहीं आओगे। और ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल, जो लोग प्रोफेशनल हैं उनकी एडवाइस लो। इसलिए गुरु होना ज़रूरी है, टीचर होना ज़रूरी है, जो आपको गाइडेंस दे कि अब आपकी आवाज़ ठीक है, अब आपकी आवाज़ ख़राब है, अब आपको ये चेंज करना चाहिए अपनी आवाज़ में, अब आपको वो चेंजेस लाने चाहिए। तो इसलिए अच्छे लोगों की ही सलाह लो, सबकी सलाह मत लो। सबकी सलाह लेने लगोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम सलाह जो होती है वो आपके फेवर में नहीं होती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप ग्रो करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिवली पुश करेंगे। तो स्टॉप 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 टेकिंग सच एडवाइसेस, हमेशा प्रोफेशनल की एडवाइस लो। ऑलराइट, ओके, फोर्थ पॉइंट है जो आपको ये महसूस करवाता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो है लो कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जब आप कॉन्फिडेंस में लो हो रखे होते हो तो आपको हर चीज़ ख़राब लगती है। आपको लगता है मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, आपको ऐसा ऐसा फीलिंग आने लगता है। तो ये क्या है, एक बार जब आपने नेगेटिव अपने आप को लेना शुरू कर दिया, तो यही रीज़न तो होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ट्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ऑलराइट, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो। अब ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आराम करोगे और सोचोगे कि कभी भी, और फेक कॉन्फिडेंस मत लाओ, मेहनत नहीं करी है, कभी प्रैक्टिस नहीं करी है और ऐसे चौड़े होके आ गए स्टेज पे, तो वो भी गलत है, वो उतना ही गलत है।
कि जितना अंडर कॉन्फिडेंट होना उतना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना। तो हमेशा हमेशा उतना ही कॉन्फिडेंस रखो जितनी आपने मेहनत करी है, ओवर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो फोर्थ पॉइंट था ये। फिफ्थ पॉइंट है कि स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। समटाइम्स क्या होता है, हम आपको अपने आप को जज इतना करते हैं कि मैं ऐसा गाता हूँ, मैं वैसा गाता हूँ, रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनते हैं और सोचते हैं मेरी आवाज़ तो ऐसी है वैसी है, ख़राब है। नहीं, आप कोई जज नहीं हो। ऑलराइट, आप अपने आप को जज मत करो कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा। आपको जज करना है कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। ऑलवेज लुक फॉर इम्प्रूवमेंट, जजमेंट मत पास करो। जजमेंट पास करना आपका काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है, वो जजमेंट पास करेगा कि आप पास हो या फेल हो। लेकिन आपका काम क्या है, मेहनत करते रहो। कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, इसीलिए कहा गया है। अगर आप जज करने लगोगे तो आप अपने आप रिजल्ट दे दोगे अपने आप को। यू डोंट हैव टू, आप बस मेहनत करो एंड इम्प्रूव करो एवरी डे, इम्प्रूव योर सेल्फ। याद रखो इस बात को, एक छोटा सा एफर्ट भी अगर आपने आज किया है तो वो आपको कभी ना कभी जाकर रिजल्ट देगा। तो ऑलवेज वर्क हार्ड। ओके, दिस वॉज माई एडवाइस फॉर यू, फॉर माई रॉक स्टार्स। ये 5 एडवाइसेज जो हैं आप ज़रूर लेना और समझना कि आप अगर अपनी आवाज़ को गलत समझते हो, अच्छे से नहीं ट्रीट करते हो, तो आज से इन 5 बातों का ध्यान रख के अपने आवाज़ की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो और चैनल को सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।